अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दीनों दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पालक पनीर की डिलीशियस एंड यमी रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि पनीर फीका फीका लगता है, इसलिए अगर हम उसको मैरिनेट कर देंगे तो उसमें भी एक टेस्ट आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम पनीर में डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और उसको अच्छे से सारे क्यूब्स में मिला देंगे ताकि पनीर में भी एक टेस्ट आ जाए और वो पालक के साथ फीका फीका ना लगे। मैरिनेट करने के बाद हम पनीर को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 4 डोंगे तेल डालेंगे। तेल 4 डोंगे डालना फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पालक का जो एक टेस्ट होता है, जिससे वो थोड़ी सी हल्की सी बिटरनेस जो रहती है पालक की वो चले जाएंगी। तेल जब हमारा थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे से फ्लेवर इन्हेंस होता है, और जब हमारा ज़ीरा तड़कने लग जाए तो उसके बाद हम उसमें अदरक लहसुन प्याज और हरे धनिया का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से डालना है इसको, और जो आपका जार है उसको भी धोकर उसका पानी भी इसमें डाल देंगे, और उसको अच्छे से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको भूनने से जो है मसालों का कच्चापन चला जाएगा। जब तक मसाला हो रहा है तो हम 2 टमाटर कट कर लेते हैं। 2 टमाटर मीडियम साइज के कट करने हैं ताकि मसाले में वो अच्छे से गल जाए। जल्दी जल्दी टमाटर कट करना है हमें, और मसाले को देखते रहना है, मीडियम आंच पे पकने दें मसाले को। मसाला हमारा हो रहा है, जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हमारा मसाला तैयार पक जाएगा। तो चलिए अब हमारा मसाला धीरे धीरे होने देते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालते हैं हल्दी, फिरौती, नमक और धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिला लेंगे, और जो हमने टमाटर काटे थे बारीक उसको भी इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिला के इसमें थोड़ा सा हम पानी और छोड़ेंगे। थोड़ा सा पानी छोड़ने के बाद हमें सॉल्ट कम लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सॉल्ट और डाल दिया, और अब हम इसको फिर से मिला देंगे और थोड़ी देर इसको और पकने देंगे ताकि जो अभी हमने मसाले ऐड किए उसमें वो भी कच्चे ना लगे। इसको थोड़ी देर ढक कर पकने देते हैं, और देखिए थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो ऑयल ऊपर आ गया है, तो मतलब हमारे मसाले पक गए हैं। अब हमने जो पालक काट के रखे थे और धो के रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने पालक को पीसे नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पीसने से वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, इसलिए हमने उसको बारीक बारीक चॉप किए है ताकि पालक मुंह में भी लगे और उसका अच्छे से टेस्ट भी आए। पालक और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पालक में बहुत पानी छुटता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, और इसके ऊपर हम अपनी प्लेट झाँक देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद जब हमने इसे देखा हटा के तो इसका पानी थोड़ा सा छूटने लगा है पालक का। इसे अभी हम थोड़ा और पकने देंगे ताकि जो इसका पानी है वो सूख जाए। जब पानी सूख जाएगा तब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसमें और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। जब तक हम अपना पनीर फ्राई कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा था, इसके लिए हम 1.5 डोंगे तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल को होने देंगे गर्म। जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने से पालक पनीर में डालेंगे तो उस पनीर के क्यूब्स अच्छे लगेंगे और खाने में मज़ा भी आएगा।
अब हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं इसमें और साइड में हमारी पालक भी पक रही है। देखिए पनीर का रंग चेंज हो गया है, वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम देखेंगे हमारी पालक पकी या नहीं। हाँ, ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी पालक अच्छे से पक गई है। पालक ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, तो अब टाइम आ गया है कि हम पालक में पनीर ऐड करें। पालक का पानी पूरी तरह से सूख गया है, इसलिए अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर को ऐड कर देंगे पालक में और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही सिम पर ढक कर रख देंगे ताकि पनीर में भी पालक का फ्लेवर और चला जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर तैयार हो गया है। कितना डिलीशियस और यमी लग रहा है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल दीनों दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।